आज हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। जितना भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़ा, उसको करने का दो तरीका है, या तो रिवर्सिबली कर सकते हैं या तो इरिवर्सिबली करते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, तो उस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि यह जो प्रोसेस है आइसोथर्मल के साथ साथ रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक के साथ साथ इरिवर्सिबल है। तो मतलब जिस प्रोसेस की बात करेगा उसके पहले रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल लगा देता है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कैसे प्रोसेस होता है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियलाइज्ड प्रोसेस है जो कि एक्सट्रीमली स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि जिसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाए, मतलब रियल टाइम में कंप्लीट ही नहीं होता। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस कहता है कि एक्चुअल प्रोसेसेस जो दुनिया में हो रहे हैं, जो नेचर में हो रहा है, और वो कंप्लीट हो रहा है। तो जितने भी प्रोसेस कंप्लीट होने वाले होते हैं, रिलेटिवली फास्ट हैं, उसको हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस विच कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम, डेफिनेट टाइम में कंप्लीट हो जाता है, उसको हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर पानी हिल से गिर रहा है तो कुछ दिन में गिर जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, इरिवर्सिबल। मार्कर यदि हम गिरा दें तो एक सेकेंड या दो सेकेंड में मार्कर गिर जाएगा, गिरने का प्रोसेस जो मार्कर वो कंप्लीट हो जाएगा एक डेफिनेट टाइम में। तो कैसा प्रोसेस हुआ, इरिवर्सिबल। लेकिन रिवर्सिबल इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है, इतना स्लो होता है जिसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जो लगभग हो ही नहीं रहा, हमेशा ही इक्विलिब्रियम में होगा यार। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वर्चुअली ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस कहता है कि हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। जैसे इस मार्कर को मैं पकड़े हुआ तो यहां पर इक्विलिब्रियम में है, जैसे ही छोड़ा कि बीच में यह इक्विलिब्रियम जब तक प्रोसेस चलता रहा उस समय इक्विलिब्रियम में नहीं था, और फाइनली जब नीचे चला जाएगा तो इक्विलिब्रियम होगा। मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस इरिवर्सिबल में जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं था। तो जरा सोचो, जैसे यहां पर हम बात करते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि रियल एग्जांपल क्वेश्चन में पूछेगा, एक सिस्टम लिया, एक कंटेनर लिया और उसमें आइडियल गैस मान लो, और उसका इंटरनल जो प्रेशर है वो 5 एटमोस्फियर के बराबर है। गैस का प्रेशर 5 एटमोस्फियर के बराबर है, और इसमें एक फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन रखा हुआ है, और एक ब्रिक रख दिया इसके ऊपर से, और ये जो ब्रिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिसको कि हम एक्सटर्नल प्रेशर कहेंगे, वो है 4.499999 एटमॉस्फियर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 एटमॉस्फियर के बराबर है, लेकिन 5 एटमॉस्फियर से थोड़ा सा कम है भाई। यानी एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है, एक्सपेंशन होगा क्योंकि नीचे का प्रेशर जो इंटरनल है एक्सटर्नल से थोड़ा सा ज्यादा है। क्या यह प्रोसेस बहुत फास्ट होगा कि बहुत स्लो होगा, इनफाइनाइटेसिमली धीरे धीरे प्रोसेस होगा। तो ऐसा प्रोसेस जो कि एक्सट्रीमली स्लो होगा, ये एग्जांपल होगा किसका, एग्जांपल होगा रिवर्सिबल प्रोसेस का। लेकिन यही अगर हमारे पास आइडियल गैस का सिस्टम था जिसका कि इंटरनल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर के बराबर था, और इसके ऊपर में हमने एक ब्रिक रखा है जो कि प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर के बराबर अप्लाई कर रहा है, क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ये एक्सपेंशन स्लो होगा कि फास्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है फास्ट होगा। तो एक्सपेंशन फास्ट होगा तो फास्ट होने वाला प्रोसेस कैसा, इरिवर्सिबल। तो क्या सीखा, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है और इंटरनल प्रेशर होता है, दोनों में जो डिफरेंस होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों ही बराबर होंगे। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा और इंटरनल प्रेशर होगा उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस डेल्टा पी, डेल्टा पी का वैल्यू सिग्निफिकेंट होगा, टेंड्स टू जीरो नहीं होगा, लेकिन दिस डीपी टेंड्स टू जीरो। और ऑब्जर्व करो कि यदि आइडियल गैस है और एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, तो हर एक पॉइंट पर स्टेट पता है, पी का वैल्यू पता, वी का वैल्यू पता, टी का वैल्यू पता। तो आइडियल गैस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस इतना बीच में फास्ट हुआ कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बारे में पता नहीं है, तो उसका हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते।
न्यूमेरिकल पर्पस के लिए क्या, अगर क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया न्यूमेरिकल में, तो समझ लेना को जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल के लिए ग्राफ नहीं देगा। और क्या डिफरेंस है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का? एक और डिफरेंस यह है कि कहते इसको रिवर्सिबल क्यों है? रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल कहते इसलिए है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को जहां इनिशियल स्टेट था वहां तक रिवर्स करके साइमल्टेनियसली दोनों को ही पहुंचा सकते हैं, सिस्टम को भी और सराउंडिंग को भी। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब ही ऐसा जिसको हम रिवर्स ना कर सके। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग को एक ही टाइम पर इनिशियल स्टेट तक रिवर्स करके नहीं पहुंचा सकते, इसलिए इसको इरिवर्सिबल कहते हैं। इन शॉर्ट, रिवर्सिबल एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, इरिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस। रिवर्सिबल में आइडियल गैस के लिए ग्राफ दिया हुआ रहेगा, इरिवर्सिबल में ग्राफ दिया हुआ नहीं रहेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर जो होगा अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। इरिवर्सिबल में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का डिफरेंस थोड़ा सा सिग्निफिकेंट होगा।